गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो रहा है. बस मैं अभी किचन में से आई हूँ खाना बना के. आजकल मेरे खाने की सेटिंग गड़बड़ हो गई है, मैं बैठ के बताती हूँ. और मैंने इसीलिए थोड़े से हेयर टाई कर लिए थे. एंड 2 से 3 दिन बाद ये हेयर्स बिल्कुल ग्रीसी हो जाते हैं, देखिए. एंड मुझे पार्लर जाना है, कल जाऊँगी मैं तो वहीं पर वॉश कराएंगे एंड उसके बाद फिर से वो मेरे बाल सही करेंगे. इनमें बहुत वेव्स आ चुकी हैं. मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, बट उन्होंने जब ये कह दिया कि ठीक है हम कर देंगे तो बस मेरा मूड ठीक हो गया. अदरवाइज़ मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा कौन सा पार्लर है जो एक बार में मेरे बाल सही करेगा. किचन में मैं अभी खाना बना रही थी, सीटी लग रही है. सोया चंक्स की सब्जी बनाई है, आटा गूंदा हूँ, बस इसमें से प्रेशर निकल जाए, बस फिर मैं अपने लिए गर्मा गर्म. मैं आ गए, शौर्य आ गया. शौर्य मुझे बहुत परेशान करता है. कल इसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है एंड इसकी मैम ने बताया कि ये कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं खड़ा हो जाता है, नहीं करना. मेरा काफ़ी मूड स्पॉइल हो गया इस लड़के ने. क्या बोलूँ, 5 बोलूँ, बहुत अपनी मनमर्जी का हो गया लड़का, बिल्कुल नहीं सुनता. मुझे समझ नहीं आता है मैं इसे किस तरीके से डील करूँ. मार पिटाई, जिद पना, मतलब मुझे, मैं रियली इसमें 5 बोल रही हूँ. फाइट, हाँ, स्कूल में फाइट करता है ये कह रहा है कि ये बताओ सबको. देखिए तो मैं बहुत परेशान हूँ. मैंने कहा ये पता नहीं इसको मैं कैसे टैकल करूँ. मेरे को लगता है अगर मैं मारूंगी इसे तो ये और एग्रेसिव ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शांति से डील करती हूँ. देखिए ना पीछे से बोल रहा है मम्मी पिट्टू करो, इतना इतना गुस्सा हो गया. सी अभी करूँ तो मैं पिट्टू, प्ले क्यों नहीं करती हो स्कूल में. मेरे को बहुत बुरा लगा, मैम ने बोला कि ये बिल्कुल नहीं कुछ करता है, तो मेरे को लगा यार ये खेल में भी, मतलब घर में इतना उधम करता है और अब वहाँ स्पोर्ट्स डे में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. फिर मैं नहीं जाने वाली कल, जब वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ. तो मैं कल वहीं जाऊँगी, मैं पार्लर जाऊँगी, मैंने सोच लिया. मैं नहीं जाऊँगी इसके स्कूल के उसमें, ये करेगा है नहीं, मुझे 2-3 घंटे मेरे ख़राब करेगा. और कल सेकंड वाले फ्लोर का लेंटर पड़ना है तो संदीप को वहाँ जाना है, तो एक ही दिन है हमारे पास, तो इस वजह से हमें मैनेज करना पड़ेगा. एंड संडे के हमारे कुछ और प्लान्स हैं. मैं गैस बंद करके आऊँ घर. आजकल मेरा बड़ा मिसमैनेज सा रहता है, मैं समेटती रहती हूँ बट शौर्य उसे वापस वहीं का वहीं कर देता है. थोड़ी रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अभी एक शॉपिंग हॉल की वीडियो करी थी, मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे. अब मैं आप लोगों के साथ रिवील कर दूंगी कि मैंने आजकल ये इतनी शॉपिंग क्यों चल रही है. क्या कर रही हो बेटा, अभी गिर लगी ना, लगेगी बिल्कुल लगेगी. ये मैंने कुकर में 2 चम्मच तेल गरम किया है एंड इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट. मैंने अदरक लहसुन नहीं लिया है. इसको मैं काफ़ी अच्छे से भूनूंगी. इसमें मसालों में जाएगा आपका नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड जब ये थोड़ी सी चिकनाई छोड़ेगा, पूरी नहीं, जब थोड़ी चिकनाई छोड़ेगा तब मैं इसमें मटर और सोया चंक्स ऐड कर दूंगी. सोया चंक्स मैंने छोंकने से पहले ही थोड़े से सॉटे कर लिए थे, तो अब मैं उनको डाल दूंगी. थोड़ा सा आप अगर सोया चंक्स सॉटे कर लेते हो ना तो उसमें से कच्चेपन की महक निकल जाती है एंड फिर उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है. तो बस अब ये अच्छे से मसाला भून रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 सेशन मैगी मसाले का. ये तो मतलब इस रेसिपी में जान ला देगा, रियली बता रही हूँ. जो लोग वेजिटेरियन है, इनका नॉनवेज ट्राई करने का मन हो, वो मैगी मसाला डालें किसी भी वेजिटेरियन रेसिपी में एंड काफ़ी हद तक आपको फ्लेवर आ जाएगा. और इसका एक नॉनवेज वाला मसाला आता है, वो तो ऑथेंटिक नॉनवेज फ्लेवर देगा. तो ये अच्छे से भुन चुका है, मैं इसमें करीब 1/2 ग्लास पानी डाल दूंगी. थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए एंड सोया चंक्स भी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करते हैं. एंड ये हमारा सोया चंक्स बनके तैयार है. मैंने अपनी प्लेट लगा दी है एंड मैं अब पहले करती हूँ अपना लंच, फिर मिलती हूँ. सो मैं अपना लंच बना के लिए आई हूँ. तब सॉरी सोफे से गिर गया था, वो सोफे के ऊपर जंप कर रहा था. एंड आज मैंने रोटी और सोया चंक्स दोनों की रेसिपी बोलो पर भी शेयर करनी है. तो टाइम लग गया मुझे बनाने में और प्रेजेंट करने में. देन उनको थंबनेल भी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी चाहिए, अच्छी रेसिपी भी चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए इन अ मिनट. तो मैं कोशिश में हूँ पूरा, लेकिन जब तक कर सकती हूँ तब तक करूँगी. देख ही रहे हो शौर्य की तबसे करा, खा लो शौर्य. हाँ बेटा, छोटा छोटा खाना होता है. डॉक्टर आंटी बोलिया ना छोटा छोटा खाओ. हाँ ये छोटा छोटा है, च्यू करके खाना अंदर वाले टीथ से. ओके बेटा, हाँ खाओ खाओ, छोटा कर लो और च्यू करो. तो अब मैं खाना खा लूँ, मुझे भूख लग रही है काफ़ी ज़ोर से. संदीप डाइटिंग पे चले गए 1 हफ्ते के लिए, तो वो लंच नहीं लेके जाते हैं, इसलिए मेरी लंच की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है. एक दिन मैंने ऑर्डर करा था थाली, उस दिन मैं अपनी एडिटिंग में बिजी थी, बट आज मेरे पास टाइम था. क्यों नहीं खाना? तो उस दिन मैंने एक दिन थाली ऑर्डर कर ली थी, बड़ी मस्त थाली आती है यहाँ पे जी थाली से, बहुत यम्मी थाली है. जस्ट 90 रुपीज़ में, मीन्स 50% ऑफ होता है, 199 वाली 90 रुपीज़ में आ जाती है. एंड 3 सब्जी, 5 फुलके, सबसे मेन होता है वहाँ ये फुलके मिलते हैं, तो इसलिए मैं वो कभी कभार ऑर्डर कर लेती हूँ जब मेरी सिचुएशन नहीं होती. बट मैंने कहा आपको ऑर्डर नहीं होने वाला, ये 1 हफ्ता
नहीं खाएंगे तो क्या मैं ब्रो एक हफ्ता बाहर का ऑर्डर करूंगी, तो इस वजह से दाल रखी थी रात की, बट मैंने कहा वो खा लेंगे, मेरा सोया चंक्स खाने का मन हो रहा था। सोया चंक्स मैं अकेले में बना पाती हूँ क्योंकि संदीप को सोया चंक्स पसंद नहीं है, तो मैं जब अकेले अपने लिए बनाती हूँ तो मैं सोया चंक्स बना लेती हूँ। तो जल्दी खाना खा के फिर मिलती हूँ। हाँ, तो आई एम डन विद माई लंच। बहुत ही यम्मी सब्जी बनी थी, रियली बता रही हूँ। आज ना मैंने मैगी मसाला डाला था, हर बार मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ जब संदीप नहीं खाते ना कोई चीज़, तो मैं मैगी मसाला से बनाती हूँ। मुझे मैगी मसाले का टेस्ट बहुत पसंद है और उनको उतना नहीं पसंद है। थोड़ा वॉल्यूम कम करो। शौर्य काम कर रहा है, शौर्य पेंट छुड़ा रहा है, पिटेगा पापा से। एवरी डे का उसका काम है, जो मैंने पुट्टी भरवाई थी ये रोज वहीं का वहीं छुड़ाता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ उस लड़के से बहुत ज़्यादा वाला। ये सोता है तब मुझे चैन पड़ता है। तो बहुत यम्मी सब्जी बनी थी, बिल्कुल नॉनवेज वाला फ्लेवर आ रहा था। मैंने गार्निशिंग के लिए उसमें अनियन यूज़ की थी, तो फिर वो मैंने सूखी कच्ची खाई, उसके साथ बहुत यम्मी लगी। एंड अभी बची हुई है वो संदीप खा लेंगे शाम को आके, थोड़ी दाल बची है और सोयाबीन की सब्जी बची है। शाम को और कुछ होगा तो मैं उस हिसाब से बना लूँगी। हाँ, आपको मुझे कुछ शेयर करना था, ये शेयर करना था कि एक तो शॉपिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सैलरी अपनी मतलब पे आई थी 1.5 साल बाद, जो भी छोटा मोटा 1-1, 2-2 हज़ार रुपये को जोड़ के जो मुझे आया था, तो उसमें से आधे से ज़्यादा मैं खर्च कर चुकी हूँ। और अभी मैंने फिर से थोड़ी सी शॉपिंग की है, तो उसके हॉल वीडियोज़ में शूट कर रही थी, एक पूरा कर लिया है, एक आधा रह गया है। अब ये सो जाएगा तब उसे कम्प्लीट करूँगी। एंड मैं शॉपिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का। बहुत टाइम हो गया हम लोग नहीं गए, लास्ट टू लास्ट ईयर गए थे तो शौर्य ने तब बहुत परेशान किया था। उदयपुर गए थे हम, उदयपुर वहाँ का पूरा राजस्थान का 2-3 जगह का टूर लिया था, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और एक और जगह थी शायद, वहाँ गए थे। माउंट आबू हम जा नहीं पाए थे क्योंकि शौर्य की तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर हम नहीं गए। सो इस बार हमने प्लान किया है, मैंने कहा अब शौर्य थोड़ा बड़ा हो गया बिना स्ट्रॉलर के चलेगा, अब चलता तो है ही वो और वो इतना एक्टिव है, तो इसलिए इनका अब एक प्लान कर लेते हैं। एंड आप जैसे सब लोग जानती हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि हमारा घर बन रहा है, तो घर बहुत बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, मतलब उसको बनाने के लिए हमारी बैंड बच गई है। तो संदीप ने कहा अगर चलना है तो अभी चलो, इसके बाद फिर मैं नहीं ले जा पाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा जो अभी घर का काम चल रहा है उसमें मम्मी पापा का रोल ज़्यादा है, संदीप और मेरा रोल थोड़ा कम है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा फ्री हैंड है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके बाद जब इंटीरियर शुरू होगी, पेंट, वुडन वर्क, सैनिटरी टाइल्स, ये सब जब चॉइस करने का टाइम आएगा, इस वाले काम में संदीप और मेरा दिमाग ज़्यादा लगेगा। एंड वो एंड टाइम होगा फिनिशिंग का, तो उस समय हमारा कहीं निकलने का बन ही नहीं पाएगा, और उस समय तक तो पैसे जो होंगे ख़त्म हो जाएंगे सारे ही। अभी से सारा खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, उधर बढ़ गए हैं और इधर हाथ रुक गया है। तो यहाँ हम वेकेशन पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये होता ये है कि संदीप को 4 साल में एक बार बैंक पे करती है, तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, ये है हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस मम्मी पापा की सपोर्ट से, सबकी ब्लेसिंग से, हाँ हमने घर लिया है, हम उसे बनाने में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा अमाउंट का लोन है, बहुत ज़्यादा EMI जाने वाली है, बट हमने सोचा है चलो जो लोग जो चीज़ें रिटायरमेंट पे होती थी वो हमने स्टार्टिंग में की है, तो फ्यूचर में जाके हमें हेल्प रहेगी, यही सोच के हमने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। एंड अच्छा खासा सब हो रहा है, बट हमें हाथ खींच के चलना है क्योंकि एक्सपेंसेस उधर बहुत बढ़ गए हैं। EMI जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगी, आई थिंक स्टार्ट हो गई है या होने वाली होगी, तो उस दिन से तो संदीप और मेरे एक्सपेंसेस में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को यूट्यूब से अब अर्निंग शुरू हो जाए, अर्निंग क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रही है। 2-3 या 4 महीने आई थी मुझे थोड़ी बहुत, जो वो थ्रेशोल्ड होता है ना वो कंप्लीट हो गया था, ये समझ लो बस इतनी ही आई थी, चार या पाँच महीने बस वो आई थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने एडसेंस से पैसा निकाला मेरी अर्निंग बंद हो गई। अब ये वो थ्रेशोल्ड 2 महीने, कम से कम 3 महीने लगेंगे उस थ्रेशोल्ड को कंप्लीट होने में। आप अपने आप समझ सकते हो कि मेरे को कुछ अर्निंग नहीं आ रही है। मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया यूट्यूब पर मेहनत करते करते। मैंने बहुत ऐसे चैनल्स देखे हैं जो मेरे बाद आए थे, उनके 1,000 सब्सक्राइबर्स थे एंड अब उनके 20-30 हज़ार हो गए हैं और 20-30 हज़ार व्यूज आने लग गए, तो मेरे को उनसे जेलस नहीं है। हाँ बेटा, हाँ पिज़्ज़ा बोल दिया, मुझे उनसे कोई जेलस नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि ऐसा क्या किया उन्होंने जो वो एकदम से ग्रो कर गए और मैं इतने दिन से लगी हुई हूँ, तो मेरी ग्रोथ जो रेट है वो कम है। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं लेकिन बूंद बूंद वाले बढ़ रहे हैं एंड इसी वजह से मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते, 500-800 मैक्सिमम 1,000 तक पहुँच जाते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है यार, देख लिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे जब लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करेंगे और देखेंगे। एंड करेंटली जो लोग देखते हैं उनको थैंक यू, बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स देते हैं, दीदी ये, दीदी वो, दीदी वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है चलो कोई नहीं, पैसे छोड़ो, इतने लोगों से मैं कनेक्ट हो पाती हूँ, मुझे पसंद करते हैं लोग, मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, मेरे बच्चे को इतना प्यार देते हैं, तो मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं यूट्यूब पर हूँ, अर्निंग तो ना मुझे पहले आई थी ना अब आई है। 1.5 साल में जो छोटा मोटा आया वो मैंने सब उड़ा दिया है, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं जहाँ घूमने जाऊँगी वहाँ खर्चा करूँगी।
अब घूमने कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको नहीं बताने वाली, जिस दिन हम यहाँ से निकलेंगे घूमने जाने के लिए उस दिन बताऊंगी। एक्चुअली घूमने जाने का भी अभी एकदम से डिसाइड हुआ है, बस संदीप ने कहा कि चलो चलते हैं, नहीं तो फिर निकलना हो नहीं पाएगा। अभी जब तक हम यहाँ हैं घर बन जाएगा, और जैसे घर वगैरह बनेगा शिफ्ट होंगे उसके बाद फिर संदीप की प्रमोशन का टाइम आ जाएगा, और प्रमोशन हो गया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम 6 महीने भी अपने घर में रुक पाएँ वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड प्रमोशन हो गया तो फिर तो संदीप का वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ जाना है, तो इसलिए उन्होंने कहा है अगर चलना है तो अभी चलो, नहीं तो फिर मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा नहीं की और पूछ पूछ, चलो चलते हैं। सॉरी की वजह से थोड़ी सी मैं कतरा रही थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है संभाल लेंगे दोनों मिलके, अब बड़ा हो गया अब समझ जाएगा। तो हम वेकेशन मोस्टली हमारा प्लान्ड है, संदीप ने फ्लाइट्स बुक कर ली हैं आने और जाने की, बट बीच में होटल्स बुक नहीं किए, हमने कोई पैकेज नहीं लिया है, हम इंडिविजुअली अपनी चॉइस के हिसाब से होटल्स बुक कर रहे हैं। पैकेज में वो बहुत प्राइजी कर देते हैं। बेटा गिर जाओगे, ऑलरेडी किए टूटे हुए हैं, शौक नहीं करते नो बेटा। हाँ तो होटल्स हम अपनी चॉइस से बुक कर रहे हैं, एक ही होटल बुक किया है, अभी हमें और एक दो जगह के और होटल्स बुक करने हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे हम 4-5 जगह का सोच रहे हैं कि एक बार जाएंगे तो सब जगह होके आएंगे, उसके बाद फिर निकलना नहीं हो पाता है। तो बस यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी मैंने आपको, और इसीलिए मैं ये शॉपिंग कर रही थी, जो पसंद आता है रख लेती हूँ, जो नहीं पसंद आता है फिटिंग नहीं होती है वो मैं रिटर्न कर देती हूँ, सिंपल सी बात है। ये ऑनलाइन शॉपिंग का फंडा ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, हॉल भी हो जाती है मेरी, शॉपिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अब मैं रेगुलरली हॉल वीडियोस करती रहा करूँगी, तो देखते ज़रूर रहिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको शाम को। हाँ मेरे जो भी मेरे को वीडियोस बनानी थी वो सब बन गई हैं, अब मैंने चेंज कर लिया है, मैं नॉर्मल टी शर्ट पजामे में आ गई हूँ, अभी स्वेटर पहनूंगी, बस मैंने इनर पहना है इसके अंदर, मेकअप छुड़ा लूँ, मैंने थोड़ा सा आई में क्या लगाया था, लाइनर लगाया था और लिपस्टिक लगाई थी, बाकी वो जो मैं बेसिक बीबी क्रीम लगाती हूँ वो भी वीडियो बनानी होती है, इससे थोड़ा सा तैयार हो जाओ, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तो इसलिए। तो अब मैं एक को बस फेस वॉश करना है, मैं मेकअप कर तो लेती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है जल्दी से हटाओ तो मुझे भारीपन फील होता है फेस पे, आदत नहीं है मुझे, और कम से कम मेकअप में रहना चाहिए। तो ये मेकअप रिमूवल है, एंड इसे मैं सिर्फ वैसे एक्सप्रेस आई एंड लिप मेकअप रिमूवर है, लोग फेस पे भी यूज़ करते हैं, एंड मेरे पास गार्नियर वाला भी है, इनका ये ख़त्म हो जाए फिर इसे निकालूंगी। तो मैं मेकअप रिमूवल सिर्फ इसी पे आईज़ और लिप्स पे ही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ इस तरह से। मैं मेरे पास कॉटन पैड भी है बट मैं आलसी हूँ, उसे कॉटन पैड को मुझे हाफ कट करके फिर एक आँख पे ऐसे एक आँख पे वैसे, एंड वो ना मैंने कहीं छुपा के रख दिया है शौर्य की वजह से। देखिए एक बार मैं स्वाइप हो गया ना तो मैंने रिव्यू कर दिया इस प्रोडक्ट का भी, 10 सेकेंड्स को आपको उसको रखना है एंड देन इट इज़ ऑल सेट गो, क्लीन हो गया बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत थोड़ा सा लेना पड़ता है, 2 से 3 ड्रॉप तो लेना ही पड़ता है। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ना लो और आप उम्मीद करो कि बिल्कुल क्लीन हो जाए, ऐसे भी नहीं होता है, एंड जो देसी तरीका से लोग करते हैं वही करती हूँ मैं, कोई ऑथेंटिक मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा, या हाँ यूट्यूब से काफ़ी कुछ वैसे सीखने को मिल गया है, बट जुगाड़ू तरीके से करती हूँ, मैंने एक ही कॉटन से दोनों आईज पोंछ ली हैं एंड इट्स डन नाउ। काजल मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि काजल फैल जाता है और मेरी आँखों में और डार्क सर्कल्स फील होते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स दिखते हैं, कभी कभार कम दिखते हैं, जैसे अभी लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरीके से है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, ऐसे ही हैं, मुझे क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं सो हैं। नायका पे सेल थी, मैंने कहा कुछ मंगा लूँगी वहाँ से आई क्रीम, बट मैं मंगा नहीं पाई, अभी भी सेल है, आई थिंक अभी मंगा लेना चाहिए। ऐसे इसको यहाँ मैंने थोड़ी सी कॉटन पे लिया है, थोड़ा टैप करूँगी एंड फिर इमीडिएटली लूँगी। सी इन अ स्वाइप डन, मेकअप हट गया जो भी था, फेस का है वो मैं फेस वॉश कर लूँगी और उसी से हटा लूँगी। ऐसे मैं फेस वॉश करती हूँ क्लीन एंड क्लियर के, जो सिंपल प्लेन वाला क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश आता है मैं उसी से फेस वॉश करती हूँ, बट अभी मैं करंटली उससे नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस दिन शौर्य गया हैंड वॉश करने, मैंने कहा अब सीख गया है, नीचे वो लगा लेता है टेबल स्टूल जो छोटा बाथरूम में होता है उसको वॉश बेसिन पर लगा के अपना हैंड वॉश कर लेता है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है थोड़ा सीखना चाहिए, तो मैंने कहा हैंड वॉश कर रहा होगा बट वो कम नहीं है, उसने मुझे फेस वॉश करते हुए देख लिया है तो उसने फेस वॉश भी करने बैठ गया, उसने पूरा क्लीन एंड क्लियर फैला दिया, फैलाना तो अपनी जगह है, उसने उसके अंदर पानी भर दिया है। और आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग्स, मैं अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ, बट उसके मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मेरा फेस वॉश ले लेगा, तो
वॉश बेसिन पे भी वो रखा रह गया है, उसने उसमें ये कांड कर दिया है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करी, मैंने संदीप को दे दिया। कह रहे अच्छा तुम्हारी स्किन पे रिएक्शन हो जाएगा, मेरी स्किन पे नहीं हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मेरी स्किन आपकी स्किन अलग है, मेरी स्किन अलग है, आप तो साबुन से भी मूव हो गए तो भी चलेगा। मीन्स वो तो किसी चीज़ से भी बेसिक सिंपल डेली वाले साबुन से भी मूव हो लेंगे तो भी चलेगा, बट मेरी स्किन ऐसी नहीं है, मुझे हर चीज़ सूट नहीं करती है। तो मेरे को बहुत पहले डॉक्टर जी का सजेस्टेड था पियर्स, मैं मोस्टली पियर्स ही यूज़ करती थी और अभी भी मैं पियर्स यूज़ करती हूँ। मैं एक टाइम पियर्स यूज़ करती हूँ, एक टाइम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बट अब मैंने फेस वॉश बिल्कुल बंद कर दिया, मैं सिर्फ पियर्स यूज़ कर रही हूँ। दो तीन दिन से जब से इसने मेरा फेस वॉश ख़राब किया है, जैसे राशन का सामान लेने जाएंगे तब मैं अपना नया वाला फेस वॉश लेके आऊँगी एंड फिर उसे यूज़ करूँगी। एक तो उसने पानी भर दिया है, बात सिर्फ पानी की नहीं, मुझे नहीं पता उसने उसमें और क्या 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 पता उसने हैंड वॉश भी भर दिया उसमें। ना बाबा ना, आई कॉन्ट टेक दैट रिस्क। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ। शौर्य सो गया है, एक घंटा करीब हो गया उसे, एक घंटे में वो उठ जाएगा, तब तक मैंने वीडियो शूट की, एडिट करी। तो 4 बज रहे हैं, आप मानोगे नहीं, तो बस मैंने सोचा है थोड़ा लेट जाती हूँ, फेस वॉश करके थोड़ा लेटूंगी, फिर शाम के डिनर की तैयारी करेंगे। एंड डिनर में कुछ स्पेशल है नहीं, सिंपल ही बनाना है, तो मैंने कहा अब इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन एंड बातों वाला वीडियो था, इसमें मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया आई नो, बट कोई नहीं, कभी कभार बातों के लिए भी होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ बातें थी, क्या हमारी प्लानिंग चल रही है वो सब मैंने आपको बता दिया, किस तरह से मैं थोड़ा सा मेकअप रिमूव करती हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस फ्रेंड्स अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।